हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन गुरुनीति में मैथमेटिक्स का एपिसोड 23 डिस्कस करेंगे, जिसमें मोनोटोनिसिटी तथा मैक्सिमम मिनिमा की बात की जाएगी। ठीक है बेटा, तो माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता और मेरे साथ है देवेंद्र सर। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है और एक्स गिवन है आपको 1 से 4.9। तो आपको 1 by 1 ऑप्शन चेक करके बताना है कि फंक्शन 1 से 1.9 में इंक्रीजिंग होगा, इसकी मिनी वैल्यू 3 होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू दिस पार्ट होगी और एफ एक्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इन 1 से 4.9। मतलब आपको फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसकी लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू को चेक करना। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको अपन एक्स बिलोंग्स टू 1 से 4.9 में ब्रेक करके इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उससे अपन को सारे ऑप्शन 1 by 1 इजीली चेक कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट केस में बात करते हैं जब एक्स आपका 1 से ओपन ब्रैकेट 2 है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि स्टेप फंक्शन आपका ईच इंटीजर पे क्या देगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, तो आपको उसको एक्सपेक्ट करना मस्ट है। तो जब एक्स आपका 1 से 2 होगा तो स्टेप एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो देन फंक्शन होगा बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यस सर। देन एक्स अगर आपका बेटा 2 से 3 कंसिडर करते हो तो एक्स 2 से 3 लोगे तो स्टेप एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2। तो इससे बेटा एफ एक्स आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट केस की बात करोगे कि एक्स बिलोंग्स टू 3 से ओपन ब्रैकेट 4, तो उसका स्टेप क्या हो, एक बार अपन फंक्शन को रिराइट कर देते हैं। फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन स्टेप ऑफ एक्स। तो देखो जब एक्स 3 से 4 लोगे आप तो उसका स्टेप क्या होगा, 3। तो देन एफ एक्स इक्वल टू आ गया बेटा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस। और लास्ट केस होगा एक्स बिलोंग्स टू 4 से 4.9, तो इस केस में इसका स्टेप क्या होगा, 1/4, दिस इज 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब अपन इस ईच इंटरवेल में इसका डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। एक इंटरवेल आपका 1 से 2 है, सेकेंड इंटरवेल 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 4.9। तो देखो किस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करोगे आप, एक्स देखो ये सारे फंक्शन आपके अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, तो डायग्राम एक पैराबोलिक फॉर्म में ड्रॉ होने वाला है और फंक्शन सारे इंक्रीजिंग है। तो देखो एक्स को 1 लेने पे वैल्यू 3 होगी और 2 लेने पे वैल्यू इसकी 4 होगी, तो 1 पे तो आ गया 3 और 2 पे आ गया 4, 2 पे आ गया सॉरी 6। तो ये आपका 2 है बेटा, सॉरी 3, और ये बेटा आपका 6 हुआ। जब 2 से 3 की बात करोगे तो 2 पुट करने पे 4 6/2 अगेन आपका 3 होगा 2 पे, और 3 लेने पे 11/2 आने वाला है, तो 11/2 आपका इससे थोड़ा लेस होगा। उसके बाद जब आप 3 से 4 की बात करोगे तो 9/2 11/3 होगा, 11/3 थोड़ा इससे लेस होगा अगेन, और 4 लेने पे 18 तो 9 आ जाएगा, क्या जाएगा बोलो, 9, 4 पे आ गया 9। और देन आप 4 से 4.9 की बात करोगे तो अगेन 4 पे तो क्या आया था, देखो 4 पुट करने पे 18/3 से दिस पार्ट, ये फंक्शन आपका इस टाइप से ड्रॉ होने वाला है। अब आप इसको देखो, ये इसकी मिनिमम लाइन है, मतलब फंक्शन इससे अप है ऑलवेज, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो क्या होगी, 3, जब एक्स को 1 लोगे या 2 लोगे, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो 3 है। और ये फंक्शन देखो पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर अगेन नीचे आके फिर दोबारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। तो चलो इसके बाद अपन 1 by 1 ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो एफ एक्स इन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, रॉन्ग आंसर नहीं है, लीस्ट वैल्यू सही है इसकी, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी क्या दे रही है, 6.00 नहीं, तो ये भी नहीं है, क्योंकि आप जब इसमें 4.9, क्योंकि सिंपल सी बात है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 4.9 पे वैल्यू दिखाने वाली, बट 4.9 को जब पुट करोगे तो एफ ऑफ 4.9 क्या आने वाला है, 4.9 का स्क्वायर प्लस 2/4, तो ये वैल्यू आपकी 6.9 के आसपास आने वाली, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, तो ओनली इसका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ दिस, अपने को क्या है, एट एक्स को 0
क्या करना है, एफ एक्स के बारे में बताना है। क्या बताना है अपने को, कि वो लोकल मैक्सिमम रखता है कि लोकल मिनिमम रखता है, या फिर कोई है ही नहीं मिनिमम मैक्सिमम, या फिर क्वांटिटी भी चेक करनी है। सबसे पहले आसान काम कर लेते हैं अपन, क्या क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। तो क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे, जीरो पे कर लो चेक, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव क्या रहा है इसमें, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव आ जाएगा जीरो, और नेगेटिव पे क्या आएगा जीरो जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये तो इसका ऑप्शन सही है ही नहीं। आगे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम मिनिमम की। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो आप, कि ये जो फंक्शन है वो क्या ब्रेक हो रहा है कहां पर, जीरो पर। तो जीरो पर ब्रेक हो रहा है, मतलब क्या हो गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जीरो पर ब्रेक हो रहा है, तो उसके हम नेबरहुड को चेक कर लेते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कोई भी ग्राफ है ऐसा, तो इसमें यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी कि ए पर जो वैल्यू है क्या होगी, एफ ए होगी। तो मैं बात करूं ए माइनस के लिए, ए माइनस एच के लिए, याद आ गया वो दिन। तो ए माइनस एच के लिए क्या होगा, एफ ए नेगेटिव, तो ये वैल्यू इससे कम होगी, और ये क्या होगा एफ ए, एफ ए प्लस से ज्यादा होगा, तब ये क्या बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ। तो अब हम कह सकते हैं अपन आराम से कि इस फंक्शन को यदि मैं ये चेक कर लूं कि जीरो नेगेटिव पे कैसा आ रहा है, जीरो पॉजिटिव पे कैसा आ रहा है, तो अपन को पता चल जाएगा दिस इज द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमम, वॉट एवर ना। तो करते हैं, सबसे पहले बात करता हूं मैं एफ ऑफ जीरो, जीरो ये तो जीरो आ गया। अब हम बात करते हैं जीरो पॉजिटिव की, तो नीचे वाले ब्रांच में देखो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो, तो जीरो आ गया, लेकिन कैसा आएगा ये पॉजिटिव, जीरो से जस्ट बड़ा, क्यों, क्योंकि जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू रहोगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी बट इट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, छोटी सी वैल्यू आएगी, बहुत पॉजिटिव। अब हम बात कर लेते हैं जीरो नेगेटिव की, तो जीरो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जीरो नेगेटिव की कौन सी ब्रांच आ गई, ये वाली। अब इसमें देखो, तो इसका ग्राफ बनाता हूं मैं थोड़ा सा, है ना, समझाने के लिए आपको। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, जीरो और थ्री आगे इसके क्रिटिकल पॉइंट, तो कुछ ऐसा रहा होगा, ये रहा होगा सर, है ना। तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो गया थ्री। अब अपने से क्या कह रहा है, ये जीरो नेगेटिव पे चेक करना है, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू, तो जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू का यहाँ पे फंक्शन वैल्यू क्या रही होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एफ जीरो नेगेटिव पे आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सही सही जीरो पॉजिटिव आ गया, तो जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन जो है ना वो जीरो पॉजिटिव पर और जीरो नेगेटिव पे, दोनों पे कैसी वैल्यू आ रही है, ग्रेटर ग्रेटर वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो गया अपना, ये लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो कौन सा ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला गया बेटा, एक फंक्शन गिवन है आपको fx, और क्वेश्चन में बोला गया कि fx हैज लोकल मिनिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3/2, तो देन आपको a का इंटरवल फाइंड आउट करना। देखो, जब भी फंक्शन आपको की डोमेन चेंज हो, या फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या हो स्प्रेड हो, और आपको उसका लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमा चेक करना है, तो उसका बेटर ऑप्शन क्या, देखो क्वेश्चन में बोला गया कि fx हैज लोकल मैक्सिमा एट 3/2, तो लोकल मैक्सिमा का मीनिंग क्या है कि डायग्राम इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जैसे लेट ये 3/2 है, तो f ऑफ 3/2 की जो वैल्यू है वो f ऑफ 3/2 प्लस और f ऑफ 3/2 माइनस 1 से क्या होगी बेटा, ग्रेटर। तो आप लिख सकते हैं कि f ऑफ 3/2 माइनस इज ग्रेटर देन f ऑफ, सॉरी, इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ 3/2, या फिर साथ ही साथ सेकंड कंडीशन क्या होगी, f ऑफ 3/2 प्लस इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ 3/2। अगर कोई भी फंक्शन टू कंडीशन को फॉलो करेगा तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, ये x इक्वल टू 3/2 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू अकर करता है। तो देखो, जब ये सेकंड कंडीशन की बात करोगे तो बेटा f ऑफ 3/2 तो क्या है, जीरो, और f ऑफ 3/2 माइनस, तो बेटा इसमें f ऑफ 3/2 से जस्ट लेस वैल्यू पुट करोगे तो ये नेगेटिव आने वाला है। क्या आने वाला है बोलो, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ये तो आपका ऑलवेज ट्रू होगा। तो ओनली आपको इस कंडीशन को सॉल्व करके a का इंटरवल फाइंड आउट करना है। देखो, f ऑफ 3/2 3/2 माइनस जिस पार्ट में एग्जिस्ट करने वाला, तो x को जब 3/2 इसके अंदर पुट करोगे तो ये आने वाला है बेटा 9/4 प्लस a इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ 3/2 की वैल्यू क्या है इसमें, जीरो जीरो। तो इस 9/2 को जब राइट में शिफ्ट करोगे तो बेटा a लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 9/4। तो a जब आपका माइनस 9/4 से लेस और इक्वल होगा, उस केस में फंक्शन x इक्वल टू 3/2 पे क्या करता है, लोकल मैक्सिमम अकर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 8x व्हिच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल दिस। तो करते हैं, तो अपन थोड़ा सा इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। y² = 8x, तो कुछ ऐसे रहा होगा ये, और अपन बात करें
ये क्या एक सर्कल है अपने को दिख रहा है जिसका सेंटर क्या है 0, -6, तो मैं कहीं ऐसे रहा भाई जिसका रेडियस क्या है 1, रेडियस है 1 और 0, -6 जिसका हो गया सेंटर। अब अपने को कह रहा है कि फाइंड द, अच्छा अपने को क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्कल। तो अपने को पता है कि जब भी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, कॉमन नॉर्मल ले लेते हैं। तो अब मैं बात करूं कि कॉमन नॉर्मल कुछ ऐसे रही होगी, कॉमन नॉर्मल तो अपन ने क्या किया, इस पॉइंट को मान लिया पी, और इस पी पॉइंट पर अपन ने क्या लिया, अच्छा ये पैराबोला क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, पैराबोला अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, यानी कि 40। यस सर, ये आ गया। अब मैं क्या करूं, पहले इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लूं, या इक्वेशन आपको पता है आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से स्लोप आ जाएगा उसका, -1/m कर लोगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे ख्याल से इक्वेशन आ जाएगी आपकी क्या, अच्छा आपने पढ़ा ही तो कॉनिक सेक्शन में क्या होती है, वाई प्लस टीएक्स इक्वल्स टू 80 क्यूब प्लस 280। यस सर, ए पुट कर दो उसमें, इसमें ए की वैल्यू है अपने पास 2, तो ये आ गया अपने पास y प्लस टीएक्स इक्वल्स टू 2t³ + 4t, ये अपने पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन नॉर्मल आ गई अपने पास, तो अपन को पता है कि सर्किल में क्या होता है, इक्वेशन जो नॉर्मल होती है कहां से पास करती है, सेंटर से। तो कहां से पास करेगी, 0, -6 से। तो जैसे ही -6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 + 0 = ये आ गया 2t³ + 4t। तो इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो आ जाएगा t³ + 2t + 3 = 0। तो ये अपने को क्लियर है क्या कि t की वैल्यू -1 क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। और सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब क्या हो गया, t = -1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अपन ये कह सकते हैं t = -1 सेट, अच्छा बाकी जो दो रूट होंगे इसके वो कैसे होंगे, नॉन रियल, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो t = -1 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट आ जाएगा 2, -4, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वन करेक्ट होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू दिस पार्ट व्हेन x आपका 1 से ग्रेटर है। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो उस क्वेश्चन में क्या करना अपन को, इसका बेस x है, इसका बेस 3 है, तो अपन इसको थोड़ा प्रॉपर सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो उसको लिख सकते हैं fx इक्वल टू log ऑफ बेस x 1/9 का मीनिंग लिखोगे 3 की पावर -2, 3 की पावर -2, तो -2 को अपन इसके मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, एक मिनट, तो -2 log ऑफ 3 बेस x, और ये होगा माइनस log ऑफ x² को भी इसके मल्टीप्लाई में ला सकते हैं 2 log x³, तो -2 log x³, तो -2 जब दोनों में कॉमन लोगे तो ये आ गया दिस पार्ट प्लस। पर अब आप इधर देखो क्वेश्चन में बोला गया कि x आपका 1 से ग्रेटर है, तो x अगर 1 से ग्रेटर है तो x बेस भी 1 से ग्रेटर, नंबर भी 1 से ग्रेटर, तो log की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये भी log पॉजिटिव होगा। और अगर log बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, तो देखो आप ढंग से कि ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, और बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो अगर बेटा ये दोनों रेसिप्रोकल हैं तो am ग्रेटर देन gm से दिस पार्ट की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो fx की वैल्यू क्या होगी, बोलो -4 से लेस, तो देन fx की जो मैक्सिमम, सॉरी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, -4 होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इफ f(x) इक्वल्स टू दिस मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अपने को ये पता है, ठीक है। इसके बाद अपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है कि f(x) क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। f(x) डिक्रीजिंग होगा इसका मतलब क्या हो गया, f(x) क्या होना चाहिए, लेस देन 0, किसी फंक्शन डेरिवेटिव नेगेटिव लेस देन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया, मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x लेस देन 0। तो इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं ग्राफ से, है ना, बहुत ही सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। जैसा कि अपने को पता है मॉड एक्स क्या होता है, वी शेप ग्राफ होता है, हैविंग क्रिटिकल पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 0, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या हो जाएगा अपना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के लिए हो जाएगा yes. काफी है ना। तो अपने को क्या कह रहा है वो, कि मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि
वो पार्ट जहां पर क्या है फ्रैक्शन पार्ट एक्स ज्यादा है किससे मॉड एक्स से, तो वो अपन देखें तो सिर्फ कहां पर आ रहा है वो यहां पर आ रहा है माइनस वन बाई टू से जीरो के बीच में। ये जो पोर्शन है ये केवल इसमें फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये क्या आ गया माइनस हाफ नेगेटिव आ जाएगा जीरो। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट माइनस वन बाई टू से जीरो जीरो, तो उस केस में इसकी क्या होगी फंक्शन है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। यस सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, एक फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन जी एक्स आपको गिवन है और बोला गया कि आर टू गिवन फंक्शन सच दैट एफ एक्स एंड जी एक्स अटेंड देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रेस्पेक्टिवली फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्स की सेम वैल्यू पे अकर करती है, तो बताओ कि वी की वैल्यू क्या होने वाली है। तो चलो एक काम करते हैं, अपन पहले चेक करते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अकर करने वाली है। तो देखो सबसे पहले देखो इसकी डोमेन की बात करोगे तो इसमें एक्स ग्रेटर देन 1 होगा और इसमें एक्स लेस देन 2 होगा, तो फंक्शन एफ एक्स की जो डोमेन है वो क्या होगी बेटा 1 से 2। अब आपको ये देखना है कि 1 से 2 में एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पे अकर करती है, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या जाएगा बेटा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 माइनस, क्योंकि जब रूट का करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस एक्स और बेटा माइनस एक्स का माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब आप एफ डैश एक्स को जीरो करोगे तो जीरो करोगे तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायरिंग करने के बाद बेटा इससे एक्स की वैल्यू आती है 3/2 और एक्स को जब इसमें 3/2 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है मैक्सिमम। भाई एक बार तो एक्स को 1 पुट करो तो एफ ऑफ 1 आपके पास क्या आएगा 1, आप पुट करके देखो सभी। एक्स को 2 पुट करोगे इसमें 1 आने वाला है, लेकिन जब एक्स को 3/2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर। मतलब जब एक्स को 3/2 लेट करते हैं अपन तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, तो इससे तो एक्स आ गया 3/2। और इसकी बात करोगे तो देखो जी एक्स की मिनिमम वैल्यू कब अकर करती है, तो देखो ये जो जी एक्स फंक्शन है ये क्या अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस के डी अपॉन 4 ए, कब एट एक्स इक्वल टू माइनस के बी बाई 2 ए, तो इसमें ए तो 1 है ना, तो क्या आ गया जब एक्स माइनस बी बाई 2 ए कंसिडर करोगे आप तो उस केस में जी एक्स की वैल्यू क्या होगी मिनिमम। क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों एक्स क्या होंगे सेम होंगे, तो क्या आ गया माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 3/2, तो देन बी इक्वल टू आ गया बेटा माइनस के 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में क्या करना है अपन को, एक फंक्शन गिवन है fx, तो आपको नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन वेयर f(x) = 0, जिन पॉइंटों पे f(x) 0 हो एंड f(x) डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब फंक्शन जिन पॉइंट पे क्या हो नॉन डेरिवेटिव या नॉन डेरिवेबल, उन पॉइंटों को क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब अपन को इस क्वेश्चन में फाइनली f(x) की बात करनी है, तो देखो सबसे पहले जो इसमें मोड है तो आप इसको x = 1 पे क्या करोगे स्प्लिट करोगे, तो चलो उसमें 2 की सराइज कर देते हैं कि इफ x आपका 1 और 1 से ग्रेटर है, तो x अगर 1 से ग्रेटर है तो मोड का पार्ट पॉजिटिव होगा, तो f(x) आपका क्या होगा बोलो f(x) = आ गया x - 1 / x2। अब एक काम करो इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए इसको सेपरेट डिवाइड कर देते हैं या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से भी क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया बेटा 1 / x - 1 / x2। अब इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो f(x) = आ गया बेटा 1 / x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा - 1 / x - के 1 / x2 और इसका होगा - 2 / x3, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 2 / x3 x2। तो जब आप इसमें x2 बेटा क्या लोगे एलसीएम, तो x3 को एलसीएम लेने पे क्या जाएगा 2 माइनस x क्या गया बोलो, ये तो उसका आ गया एफ x। और जब सेकंड केस की बात करोगे आप तो देखो सेकंड केस में क्या आने वाला, सेकंड केस में आप कंसीडर करोगे कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो कुछ नहीं सिंपल है ये भी, तो एफ x इक्वल टू क्या हुआ नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो क्या आ गया 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर, तो चेंज क्या है इसमें 1 upon x minus 1 by x square, इसमें रिवर्स होगा, तो कुछ नहीं करना जब इसका आप f dash x करोगे तो ये क्या जाएगा x minus 2 upon x cube x cube, तो ये इसका आ गया f dash x। अब अपन को ये देखना है कि f dash x 0 कब होगा, तो f dash x 0 कब होगा जब
f डैश x को आप जीरो करोगे दोनों केसेस में, इससे भी x इक्वल टू 2 है और इससे भी x इक्वल टू 2 है, तो इससे तो x इक्वल टू 2 डोमेन के अंदर इनबिल्ट नहीं है, तो गलत हो गया। तो जब इसको जीरो किया तो x इक्वल टू 2 और x आपका 1 से ग्रेटर है, तो इसका मीनिंग कि x इक्वल टू 2 पे f डैश x आपका जीरो है, तो x इक्वल टू 2 क्या होगा, एक तो क्रिटिकल पॉइंट, तो एक तो आंसर आ गया x इक्वल टू 2 कि x इक्वल टू 2 पे आपका क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है। सेकंड केस क्या होगा कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग कि उसका डेरिवेटिव कहां पे नॉट डिफाइन होगा। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन जिस पॉइंट पे चेंज होगी जनरली उसी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखो इसमें जब आप x को 1 पुट करोगे फर्स्ट केस में, तो इससे लिखोगे आप f डैश 1 प्लस, तो f डैश 1 प्लस की वैल्यू क्या आने वाली है, x को 1 पुट करने पर जाएगा बेटा 1, हाँ या ना। और इसकी बात करोगे तो इसमें पुट करोगे f डैश 1 माइनस, मतलब ये तो है आपका RHD, ये LHD, तो इसमें x को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा माइनस 1, इसका मीनिंग x इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन क्या है, नॉन डेरिवेटिव, मतलब 2 पे तो आपका f डैश 0 है और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, नॉन डिराइवेबल। तो इसके दो आंसर होंगे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। अब जनरली देखने को तो अपन ये भी देखते हैं कि फंक्शन हैज वर्टिकल टेंजेंट, कि जिस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है उसमें भी फंक्शन को क्या मानते हैं, नॉन डिराइवेबल। तो देखो इसमें जब आप बात करोगे तो f डैश x दिस पार्ट है, इसका f डैश x दिस पार्ट है, तो इसमें जब x को 0 पुट करोगे, सॉरी इसमें तो पुट नहीं कर सकते अपन क्योंकि x 1 से ग्रेटर है, तो इसमें जब 0 पुट करोगे तो इससे क्या मिलता है आपको, f डैश 0 हैज वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि इसका स्लोप क्या आएगा, प्लस माइनस इनफिनिटी। तो वर्टिकल टेंजेंट के केस में अपन फंक्शन को नॉन डेरिवेटिव बोल सकते हैं, बट जो क्वेश्चन है आपका ओरिजिनल, उस क्वेश्चन की डोमेन में ऑलरेडी मेंशन करोगे आप कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो 0 को कंसीडर नहीं करना है। तो देन इसके ओनली x की 2 वैल्यूज होंगी जिस पे फंक्शन क्या रखेगा, क्रिटिकल पॉइंट, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन f 1 टू इनफिनिट से 1 टू इनफिनिट इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस, अपने को फंक्शन दे रखा है अपने को 2 टू द पावर x * x - 1, यस सर। आगे क्या कह रहा है, f इनवर्स x अपने को फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये कि जब भी अपने से क्या कहेगा, f इनवर्स फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो देखो इसमें ना ऑप्शन दे रखा है नॉट डिफाइंड, वैसे नहीं भी दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है क्या कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन कैसा होता है, बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो अपने को चेक करना है फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है अपने को नॉट डिफाइंड, तो चेक तो करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं अपन, तो क्या कहें, डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपन, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स आ गया अपना, ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, तो यहाँ पे जाएगा एल एन टू इंटू इंटू क्या आ जाएगा, 2x माइनस पावर का डेरिवेटिव, दैट इज 2x माइनस 1। अब आगे चलते हैं, अब अपने को क्या कह रहा है कि एफ डैश एक्स, अच्छा अपने को डोमेन क्या देखा था, 1 से इन्फिनिटी, तो आप इसमें 1 से इन्फिनिटी रहोगे तो जो एफ डैश आएगा, एफ डैश एक्स जो आएगा कब, जब x की वैल्यू रखोगे आप 1 से इन्फिनिटी कोई भी, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सन्नी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन कैसा रहा होगा, 1 1 रहा होगा पक्का। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए क्या चेक कर लेते हैं कि डोमेन और कोडोमेन को, तो आप देखो 1 से इनफाइनाइट रखने पर क्या आ रहा है फंक्शन, फंक्शन के लिए 1 रखोगे तो क्या आएगा 0, दैट इज 2 की पावर 0 दैट इज 1, तो 1 पे 1 आ रहा है, इनफिनिट रखोगे तो इनफिनिट चला जाएगा ना, यदि बेस क्या है 1 से ग्रेटर है और पावर क्या है इनफिनिट पे अप्रोच कर रही है, देन दैट क्वांटिटी विल बी अप्रोचिंग टू इनफिनिट, तो क्या हो गया इसका मतलब, इनफिनिट पे इनफिनिट और 1 पर 1, तो कुल मिलाकर क्या आ गया, इनफिनिट आ गया, तो ये हो जाएगा अपना फंक्शन 1 1 2 आ गए, हां बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो यहां से अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आएगी आपकी, चलो कर देता हूं मैं आराम से, ये आ जाएगा ln y to the base 2 equals to x square minus x, कर लोगे आप, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के
इसको एक तरफ ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल एन टू बेस बाई जीरो क्या गया एक्स इतना आने के बाद अब क्या करो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी तो x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस बी तो वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी ठीक है बेटा अपॉन क्या आ गया टू टू तो x टू क्या लिखते हैं f इनवर्स x और y को रिप्लेस करना x ये आपको आना चाहिए कि f इनवर्स में क्या करोगे x को रिप्लेस करना f इनवर्स x से और y को x तो ये आ गया वन प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर log 2 बेस x अपॉन 2 अब सर प्लस और माइनस दो ऑप्शन है तो आप देखो कि f 1 से इनफिनिटी से 1 टू इनफाइनाइट है तो इसका इनवर्स करोगे आप जब भी वो इससे इसी में आपका डिफाइन होगा तो सिंपल सी बात है जब माइनस की बात करोगे आप तो 1 में से कुछ पार्ट माइनस करोगे तो वैल्यू कभी इनफिनिटी आ नहीं सकती तो इनफिनिटी कब आ सकती है जब आप ओनली टेकिंग प्लस करोगे तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा अदरवाइज थर्ड ऑप्शन भी गिवन है टेकिंग माइनस तो वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से हां तो क्वेश्चन नंबर 10 है In which interval fx equal to this is monotonically decreasing, increasing, decreasing? ठीक है सर. तो monotonically decreasing है इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? F dash x निकालना पड़ेगा. F dash x निकाल लेते हैं. तो f dash x 4x minus 4x minus 1 by x. अब जैसा कि अपने को पता है ना जब आप पॉजिटिव खोलोगे x को तब भी 1 upon x आएगा और नेगेटिव में लोगे x less than 0 के लिए तब भी क्या आएगा उसका डेरिवेटिव 1 upon x ही आएगा. Yes, sir. चलते हैं आगे तो ये हो गया अपना 4x square minus 1 upon में x अब थोड़ा सा इसको factorize कर लें अपन तो ये आ जाएगा 2x minus 1 2x minus 1 into 2x plus 1 upon x 2x plus 1 upon x अब number land number land draw कर लेते हैं तो number land पर अपने पास जो points आ रहे हैं critical वो क्या कह रहे हैं 1 by 2 minus 1 by 2 and 0 plus minus plus minus क्या कह रहा है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दैट मींस f dash x मस्ट बी 0 लेस देन 0 तो कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा अपना दिस एंड दिस तो क्या आ गया अपना x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन 0 टू हाफ 0 टू हाफ तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सर थर्ड ऑप्शन ऑप्शन 3 से ही आ जाएगा यस जी सर उसके बाद 11th क्वेश्चन देखते हैं एक फंक्शन गिवन है fx is increasing function in the set of all real numbers if a and b satisfy the condition matlab ye function fx aapka x ki all value ke liye increasing function hai to batao a aur b mein kya relation aane wala hai to function ko increasing decreasing dekhna hai sabse pehle kya karoge f(x) aur question mein already mention hai ki fx aapka increasing hai to kya likhoge f(x) greater than 0 to iska f(x) kya hoga likh lo to this is 3x square plus 2ax plus b plus b plus 5 sin इसका हो जाएगा 10 sin x cos x तो 10 sin x cos x को ले सकते हो 5 sin 2x ठीक है बेटा उसके बाद ये आ गया बेटा 3x square plus 2ax plus b is greater than minus k 5 sin 2x अब आप थोड़ा इसको देखोगे तो देखो x की और वैल्यू के लिए minus 5 sin 2x की रेंज क्या होगी बोलो माइनस 5 से प्लस 5 मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी और क्वेश्चन में बोला गया है कि लेफ्ट पार्ट इज ग्रेटर देन राइट पार्ट तो इसका मीनिंग दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 5 तो क्या लिखोगे इट इज पॉसिबल व्हेन 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इज ग्रेटर देन इज माइनस सॉरी इज प्लस 5 कि ये वैल्यू आपकी माइनस 5 टू 5 है और लेफ्ट पार्ट आपका राइट पार्ट से ग्रेटर है इसका मतलब दिस पार्ट की वैल्यू क्या होगी 5 से ग्रेटर 5 को जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 अब आप इसके बाद देखो क्या करना है क्वेश्चन में बोला गया कि ये x की ऑल वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मीनिंग x की ऑल वैल्यू के लिए अपवर्ड पैराबोला की वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव तो x की ऑल वैल्यू के लिए अपवर्ड पैराबोला की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है जब उसका d कैसा होगा वैल्यू नेगेटिव d का मीनिंग दिस पार्ट का b स्क्वायर माइनस 4ac आपको नेगेटिव करना है तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4a स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 3 होगी और c इज b माइनस 5 इज लेस देन 0 तो देन आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आंसर आने वाला है देखो 4 से 4 तो कैंसिल कर सकते हैं तो सिंपलीफाई करने पे क्या आ गया बेटा देखो a स्क्वायर माइनस 3b
प्लस 15 इज लेस देन 0 तो ए और बी में जब दिस रिलेशन कंसीडर करोगे तो उस केस में फंक्शन कैसा होगा ब्रो इंक्रीजिंग इंक्रीज तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्क्वायर माइनस 15 यस सर ऑप्शन नंबर 3 चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन 12 में क्या बनता है क्वेश्चन 12 में क्या करना है अपन को लेट fx इक्वल टू दिस तो कह रहा है कि इसमें पॉइंट मतलब मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात कर रहा है आपसे ठीक है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लें फर्स्ट से टू सेकंड से करो f(x) से क्या हो जाएगा अपना x - 3 टू द पावर 4 * x + 1 टू द पावर 4 ये आ गया प्लस अब सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 x - 3 टू द पावर 5 एजिटेज और इसकी पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब आगे चलते हैं अब इससे कॉमन क्या आ रहा है देखो कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से x - 3 की पावर 4 और x + 1 की पावर 3 ये सब कुल मिला के कॉमन आ गया x - 3 टू द पावर 4 एंड x + 1 टू द पावर 3 अंदर जो बचेगा वो बचेगा 5x और वहां से 4x तो ये हो गया 9x और बचेगा माइनस का 15 प्लस का 5 बचेगा सॉरी प्लस का 5 और प्लस का और माइनस का 12 5 - 12 तो ये हो गया मेरे ख्याल से माइनस का 7 यस सर ये हो जाए तो उसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं अब अपन इसका नंबर लाइन ड्रॉ लेते हैं तो नंबर लाइन की बात करोगे आप तो ये 3 पे 0 होगा 3 माइनस 1 अगला माइनस 1 पे 0 होगा और नेक्स्ट इज 7/9 का मीनिंग 1 से लेस ठीक है ना तो जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करनी तो f(x) की नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो इधर तो सबसे पहले प्लस लगाना है बट जब आप इधर मूव करोगे तो 3 पे इवन पावर है इवन पावर तो साइन डज नॉट चेंज इस पे पावर अगेन वन है तो साइन चेंज सॉरी इस पे साइन डज नॉट चेंज फिर साइन चेंज फिर अगेन साइन चेंज इसका मीनिंग प्लस से माइनस में जाओगे तो आप लोकल मैक्सिमा माइनस से प्लस में जाओगे तो लोकल मिनिमा और प्लस से प्लस में जाओगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो अपन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं x = 7y थी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब आंसर है मिनिमा है x = 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा ये भी रॉन्ग आंसर है x = माइनस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये सही है और fx नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है इसका ओनली करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 3 चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन देखो सर tangent is drawn to the ellipse this at point this where theta belonging to 0 to pi by 2 then value of theta such that sum of the intercepts on axis made by this tangent is least ठीक है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को ellipse दे रखा है और point दे रखा है तो उस पे अपने को क्या बनानी है tangent draw करनी है तो अपन को tangent draw करनी है तो कर लेते हैं आराम से तो सबसे पहले अपन क्या करें लिख लेते हैं इसको एक बार और है ना क्वेश्चन को अपन x square upon 27 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और पॉइंट है अपने पास 3√3 cos थीटा कॉमा sin थीटा ठीक है अब देखो तो सबसे पहले अपन क्या करें टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं t इक्वल्स टू 0 याद है कॉनिक सेक्शन है ना उसमें करा था तो x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं अपन xx1 से y स्क्वायर को yy1 से और जहां पर 2x आता था तो उसको अपन क्या लिखते थे x + x1 ठीक है तो अब अपन क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं अपना xx1 x * √3 3√3 3√3 cos theta upon 27 plus y sin y square y by 1 that is y into sin theta equals to 1 or you can say minus 1 equals 0 both are same okay अब आगे चलते हैं अपन अब अपने पास क्या आ गई ये equation of tangent आ गई ये क्या आ गई tangent तो tangent आ चुकी अपने पास अब अपने से कह रहा था अपने से कह रहा था कि sum of intercepts इसका मतलब क्या हो गया जो tangent आई है उस tangent के sum of intercept का मतलब क्या हो गया जो x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट है उनका सम और x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया ये वाली लेंथ यहां से यहां तक और ये कब मिलेगी जब y इक्वल टू कहां हो क्या होगा 0 0 और यहां पर जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा तो अपन क्या करें एक बार x को 0 कर देते हैं और एक बार y को 0 कर लेते हैं तो जब मैंने x को 0 किया तो ये कंप्लीट पार्ट 0 बचा गया मेरे पास y sin थीटा इक्वल टू 1 दैट इज y इक्वल्स टू cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा और यू कैन राइट cosec थीटा और यहां पर y को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x = आएगा अपने पास क्या 3√3 को 3√3 sec थीटा 3√3 sec थीटा 27 कैंसिल आउट हो जाएगा 3√3 से है ना इसको अपन को पढ़ना मिनिमम दोनों का सम मिनिमम करना है oa + ob इसको लेट करो z = oa का मीनिंग एक तो cosec थीटा होगा प्लस 3√3 sec थीटा
अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसको मिनिमम लेके आना है, तो आप एक काम करना सिंपल, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना बेटा डिफरेंशिएशन, उससे क्या मिलेगा डी जेड बाई डी थीटा, जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसको जीरो के इक्वल करो, डी जेड बाई डी थीटा को जीरो करोगे तो इससे आपको थीटा की वैल्यू मिलने वाली है पाई बाई सिक्स, और इस थीटा की वैल्यू को जब डबल डेरिवेटिव में पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग डी स्क्वायर जेड बाई पॉजिटिव। With side 5, 5, 6, the legs are to be joined at the bottom by three wires in the shape of Y. मतलब Y की shape में उन तीनों vertex को join किया गया है। Then the minimum length of the wire need for this purpose. देखो question में करना क्या अपन को? Question में बोला गया है अपन से, ये थोड़ा समझना कि एक अपने के पास ये जो एक isosceles triangle है, इसकी जो वर्टेक्सेज है उस पर क्या करना है अपन को, एक थ्री लेग टेबल को बनाना। इसका मतलब वो टेबल इस टाइप से बनी हुई है कि तीन लेग्स होंगी उसकी और बाद में ऊपर उस पर एक प्लेन बना दिया, तो बाद में क्या बोला गया कि जो इनके फुट हैं इनको आपको एक वाई शेप में ज्वाइंट करना है। तो बताओ जब आप वाई शेप में ज्वाइंट करोगे, देखो वाई शेप है ना ऐसी, तो इसकी मिनिमम वायर की लेंथ क्या हो सकती है, मतलब ये जो OA, OB और OC का सम आपको करना मिनिमम। तो देखो उस केस में क्या करना है क्वेश्चन को, तो थोड़ा प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका अगेन। A, B और C, ये फाइव है क्वेश्चन में, ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल बोला गया, और जब आप थ्री लेग को ज्वाइन करोगे तो इससे वाई शेप इस फॉर्मेट में आप फॉलो करोगे। अब आप थोड़ा इसमें समझना कि जो z इक्वल टू अपन को किसको मिनिमम करना है, OA प्लस OB प्लस OC को, दिस इज लेट को, तो OA प्लस OB प्लस OC को मिनिमम लेके आना है। तो उसके लिए क्या करोगे कि आप ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे थीटा थीटा, ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, और सिंपल सी बात ये कि जो ये जो लेंथ आपकी मिनिमम कब होगी, जब ये जो पार्ट है आपका क्या होगा आइसोसेलस ट्रायंगल, तो इसका मीनिंग जब आप सी से इस पे क्या ड्रॉ करोगे वर्टेक्स सॉरी परपेंड को ड्रॉ करोगे तो ये इसके मिड पॉइंट पे मीट करेगा। बोलो हाँ है ना, सी से आपने क्या किया इस पे परपेंड को ड्रॉ किया तो वो इस पॉइंट पे मीट करेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा आइसोसेलस, तो ये भी लेंथ आपकी थ्री होगी, ये भी लेंथ आपकी थ्री होगी। अब आपको OA, OB और OC का सम करना मिनिमम, तो OA, OB और OC का सम मिनिमम करने के लिए क्या करो, आप थोड़ी देर के लिए अपन को ये लेंथ फाइंड आउट करनी है OA, तो आप इसमें यूज करो cos थीटा इक्वल टू 3 अपॉन OA, तो इससे OA आ जाएगा 3 sec थीटा, तो OA तो आ गया बेटा 3 sec थीटा प्लस, और सिंपल सी बात है बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये थीटा ये थीटा ये दोनों में कॉमन है तो ये दोनों लेंथ सेम होंगी, तो OB की वैल्यू भी इसी की इक्विवेलेंट होगी अगेन 3 sec थीटा प्लस, OC की लेंथ के लिए क्या करोगे, ये जो टोटल लेंथ है वो देखो ये 5 है ये 3 है तो टोटल लेंथ तो क्या होगी 4, ये टोटल लेंथ आपकी 4 है तो एक काम करो ना, ये थीटा है इसको अपन लेट कर देते लेट x, तो लिख सकते हो ना tan थीटा इक्वल टू x अपॉन 3, तो x कितना आ गया 3 tan थीटा, तो x तो आ गया 3 tan थीटा, तो o of m आ गया 3 tan थीटा, तो OC क्या होगा 4 माइनस, OC क्या होगा 4 माइनस 3 tan थीटा, तो फाइनली आप जो बात करोगे तो z इक्वल टू आ गया बेटा 4 प्लस 6 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको मिनिमम करना है, तो सिंपल वही मेथड आ गई कि आप सबसे पहले क्या करना है dz / dθ को जीरो करोगे, ये सिंपल सा पार्ट है, जब dz / dθ को जीरो करोगे तो इससे आपको थीटा की वैल्यू मिलने वाली है पाई बाई 3 पाई बाई 6 सॉरी 30 डिग्री, और थीटा आने के बाद जब आप डबल डैश में इसको पुट करोगे पॉजिटिव, तो अगेन ये वैल्यू आने वाली है पॉजिटिव, तो उस केस में इस वायर की जो लेंथ है वाई शेप की वो क्या होगी मिनिमम, और आपसे पूछा गया कि बताओ वायर की लेंथ क्या होगी, तो इसमें आप थीटा को जब पाई बाई सिक्स पुट करोगे
तो जेड मिनिमम आपके पास आने वाला है, तो वो अपन आप सोल्व करना अपने अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जब पुट करोगे तो देखो ना ये फोर तो आएगी इसमें, फोर प्लस समथिंग, तो वो ओनली फर्स्ट ऑप्शन मैच कर सकता है। कोई नहीं, आप थीटा को पाई बाय सिक्स पुट करना इसमें, तो इसका आंसर आएगा फोर प्लस थ्री रूट थ्री, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो बस इसका मेन पार्ट क्या था, डायग्राम ड्रॉ करना। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ सर देखो, क्वेश्चन 15, अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, देन हाइट ऑफ द कोन इज व्हाट। तो अब अपने क्या कह रहा है, व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो पहली बात तो ये कि अपने को क्या करना है, थोड़ा सा मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं। एक स्फीयर अपने पास, स्फीयर के अंदर कोन ड्रॉ करना है, कोन अपने इंस्क्राइब किया है और उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम। और अपने को ये गिवन है क्या कि जो स्फीयर उसका रेडियस क्या है आर, तो ये अपने को गिवन क्वांटिटी हो गई। ये अपने को पता है कि जो कोन हमने बनाया है उसका जो हाइट होगी, एल्टीट्यूड होगा, उसी पर लाई करेगा इसका सेंटर किसका, स्फीयर का। तो वो अब वहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर, रेडियस है स्फीयर का, ये भी रेडियस आर होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा इसको अपन क्या कर लेते हैं, एच मान लेते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं थोड़ी सी मैं, ए बी सी और ये डी, इसको ले लेते हैं अपन ओ, सेंटर को ले लिया मैंने ओ। अब देखो अपने को क्या निकालनी है, ए डी निकालना है। वो कह रहा है कि हाइट क्या होगी कोन की जब वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। तो अब अपना थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, आर कितना होगा, देखो ये क्या है अपना राइट सर्कुलर कोन है, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर कर देते हैं। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और हाइट कितनी आएगी इसकी, ये कंप्लीट, तो आर प्लस एच। तो यहाँ पर मैं ना क्या करता हूँ, कैपिटल एच मान लेते हैं इसको, हाँ ये कैपिटल एच है, तो ये आ गया एच प्लस आर, एच प्लस आर। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लें अपन, नहीं तो प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा फिर अपने को, मल्टीप्लाई कर दो उसको सिंपल, हाँ तो मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो गया आर क्यूब माइनस एच क्यूब, और आएगा अपने पास आर स्क्वायर एच माइनस एच स्क्वायर आर। यस सर, ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं इसको, ये आ गया अपने वॉल्यूम भी, अपने से ज्यादा वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम इसका मतलब क्या हो गया, dv अपॉन dh, dh r तो कांस्टेंट है सर, r तो कांस्टेंट है, बस h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, π / 3, तो 1/3 π 0 प्लस r स्क्वायर माइनस 2hr, 2hr माइनस 3h स्क्वायर। यस सर, ये आ गया। अब अपने से क्या आ गया, अपने पास वॉल्यूम आ गया, अब हम क्या करें, इसको जीरो कर दो आप, या फिर इसके फैक्टर कर दो। बिल्कुल, तो इसके फैक्टराइजेशन आसान है ना, 3 माइनस 3 प्लस 1, तो सीधे फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, r स्क्वायर माइनस 3rh और प्लस का rh माइनस 3h स्क्वायर। तो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा आपको सिंपल 1/3 पाई, फैक्टर्स आ गए इसके आपके, r माइनस 3h इनटू r प्लस h, हां r माइनस 3h इनटू r प्लस, यस सर, माइनस ऑफ trh और प्लस का rh, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया अपने पास, अब इक्वल टू 0 कर दोगे इसको तो क्या मिल जाएगा अपने को, r इक्वल टू 3h, r इक्वल टू 3h और h इक्वल टू -r और h इक्वल टू माइनस का 3r, ये मिल जाएगा। ये तो लेना नहीं है ना, हाँ तो h तो सीधी सी लिखता हूं, h इक्वल टू r / 3 है ना, h के बाद r / 3 आ गया, r / 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को क्या निकालनी थी, कंप्लीट हाइट निकालनी थी इसकी, तो कंप्लीट हाइट के लिए क्या करेंगे अपन, oa plus od that is r plus this, तो कंप्लीट हाइट h आ जाएगी r / 3 plus r और यू कैन से 4r / 3। यस सर, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा अपना सेकंड, 4r / 3 सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, चलो सर आप ही बताओ उसमें क्या करना है। If x1 and x2 are abscissas of two points on the curve this in the interval 0 से 1 then maximum value of the, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और अपने से कह रहा है कि x1 जो x2 जो है वो क्या है इस फंक्शन के abscissa हैं दोनों, ठीक है, यानी x की वैल्यूज हैं, तो अच्छा किस इंटरवल में, 0 से 1 में। तो एक काम कर सकते हैं आराम से, पहले से ग्राफ बना लें थोड़ा सा, तो fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया x इंटू एक्स वन माइनस एक्स, तो ये अपने को दिख रहा है पैराबोला है जो कहना है कैसा है, डाउनवर्ड ही ओपन है, तो ग्राफ इसका बना ही लेते हैं अपन थोड़ा सा,
और क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 0 एंड 1, तो 0 एंड 1, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। यस सर। अब मेरे को साफ दिख रहा है ये 0 से 1 के बीच में, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में क्या कह रहा है ये, कोई भी दो एक्सिस हैं, कौन, x1 और x2, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, सिंपल सा, पहले तो आप ये चीज चेक करो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, 1/2, बिल्कुल -b/2, यानी कि 1/2 पर जाएगी सीधे, और 1/2 पर वैल्यू आएगी कितनी, 1/4, 1/2 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 1/4, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया इसके 1/2, 1/4। अब थोड़ा आगे चलते हैं अपन, अपने को क्या मिल गया, हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू मिल गई इसकी। अब देखो आगे अपने को जो फाइंड करना है, इसको जेड मान लेते हैं रियल के लिए, तो x1 प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो अब अपन क्या करें, थोड़ा प्यार से लिख लें इसको ना, प्यार से कैसे, ऐसे x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 का स्क्वायर। तो सिंपल मैं क्या लिख सकता हूं, x1 माइनस x1 का स्क्वायर जो है, चलो डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, सीधे लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, कैसे, आप ध्यान से देखो, fx क्या था अपना, x माइनस x स्क्वायर था, तो इसमें मैं यदि x को रिप्लेस कर दूं किससे, x1 से, तो ये जो है फंक्शन है ना, ये जो बाइनोमियल आपके सामने दिख रहा है, जो अपने पास दो टर्म दिख रहे हैं, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, fx1, यस सर, और दूसरा आपने बात करें किसकी, x2 माइनस x2 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, fx2, ये बन गया। अब इसकी क्या निकालनी थी अपने को, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, fx1 और fx2 दोनों को ऐड करना है। अब fx1 और fx2 मैक्सिमम कब होंगे, जब x की वैल्यू क्या रही होगी, हाफ, तो x की वैल्यू हाफ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/4, यानी क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/4, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1/4 और 1/4, तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 1/2, ऐड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/2, मतलब इस केस में जो x1 x2 दोनों सेमी पॉइंट होंगे, सेमी पॉइंट होंगे, इसी केस में ये मैक्सिमम वैल्यू अगर कर सकता है देगा, और अगर क्वेश्चन में ये हटा दिया जाए कि x1 और x2 आर टू डिस्टिंक्ट f's है, तो उस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट अकर होगा, ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक फंक्शन है आपका 1 से 10 में 5 से 50 गिवन है, इधर 5 पे ओपन है 50 पे क्लोज है, वी ए कंटीन्यूअस फंक्शन इफ fx इज एन ऑनटू फंक्शन, fx आपका ऑनटू फंक्शन है, ऑनटू का मतलब डोमेन, सॉरी कोडोमेन इसकी रेंज की इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो देखो अब क्वेश्चन में बोला गया कि fx कैन नॉट बी मोनोटोनिक, fx मस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, fx must have point of local maxima, और fx can have point of local extrema। तो देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, बेसिकली थोड़ा समझना, इसमें इसको अपन डायग्राम से करने की ट्राई करते हैं। इनपुट तो है आपका 1 से 10 और आउटपुट है आपका 5 से 50। इधर तो लेट ये कहीं 5 की लाइन होगी आपकी और लेट ये कहीं आपकी 50 की लाइन होगी, ठीक है, बस इसमें समझना, लिखना कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला गया कि fx, हाँ fx आपका ऑन टू है, तो एक बात सुनो, अगर फंक्शन आपने कंप्लीटली इंक्रीजिंग माना, बात को सुनना थोड़ा केयरफुली, फंक्शन अगर कंप्लीटली इंक्रीजिंग होगा तो कब पॉसिबल होगा, जब मिनिमम पे मिनिमम और मैक्सिमम पे मैक्सिमम। तो यार एक बात बताओ, चलो 1 पे ओपन है तो 5 ओपन आ सकता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 10 पे आपकी वैल्यू 50 आनी चाहिए, तो 10 पे 50 कब ऐड कर सकते हो, जब 10 पे भी आपका क्लोज ब्रैकेट होगा, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। यही काम अगर आप बोलोगे सर डिक्रीजिंग मान लो, दिक्कत क्या है, तो फंक्शन को डिक्रीजिंग चेक करोगे तो अगेन वही प्रॉब्लम है कि इस पे 1 पे आपका 50 आना चाहिए, तो ये लिख नहीं सकते क्योंकि 1 पे ओपन ब्रैकेट है, तो ये फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग और कंप्लीटली डिक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 100% फंक्शन आपका नॉन मोनोटोनिक होगा। नॉन मोनोटोनिक का मतलब ये फंक्शन कभी इंक्रीजिंग करेगा कभी डिक्रीज करने वाला है। मतलब जब आप इसकी बात करोगे तो देखो इसका रफली डायग्राम क्या होगा, ये आपका 1 था, ये आपका 10 है, तो इसकी ये वैल्यू मिनिमम 5 बोली गई है और इधर मैक्सिमम 50 बोला गया है। ऑन टू का मतलब 5 से 50 कंप्लीट को अपन को अराइज करना है, मतलब इस एक्सटी वैल्यू को अगर करना है, तो फंक्शन को अपन कंप्लीटली इंक्रीजिंग और कंप्लीटली डिक्रीजिंग तो बना ही नहीं सकते। मतलब जो फंक्शन है वो आपका कैसे बन सकता है, ये आ गया 10 पे आपका दिस पॉइंट हो गया और ये लेट किसी भी इस पॉइंट पे आपका 50 आ सकता है, तो डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो और लेट इस पॉइंट पे आ गया ये 5, तो इस केस में फंक्शन का लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम को अपन किसी भी में बना सकते हैं कि अगर ऐसे कुछ बना दिया कि ओनली लोकल मिनिमम हो या ओनली लोकल मैक्सिमा। तो देखो अपन इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं,
तो एफ एक्स कैन नॉट बी मोनोटोनिक, ये तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर फंक्शन मोनोटोनिक होगा तो वो ऑन टू बन ही नहीं सकता इस केस में। एफ एक्स मस्ट हैव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो ये रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसमें मस्ट लगा दिया, कोई जरूरी नहीं, ये लिखना है मे बी लोकल मिनिमा, और थर्ड ऑप्शन भी इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग होगा, और फोर्थ ऑप्शन है एफ एक्स कैन हैव यस, कि हाँ एफ एक्स का किसी भी पॉइंट पे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है, तो देन इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। इसको रीच करो सर। उसके बाद देखो 18 क्वेश्चन में क्या करना है, चलो देखते हैं इसको। पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी फोर विच इक्वेशन, दी इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट इक्वल टू पी माइनस 3 हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, जब भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली सॉल्यूशन की बात की जाए तो आप उसमें क्या करो, लेफ्ट और राइट का डायग्राम ड्रॉ करो। तो चलो पहले अपन इस लेफ्ट पार्ट के डायग्राम की बात करते हैं। तो देखो लेफ्ट पार्ट क्या क्वेश्चन में, चलो इसको आगे लिख लेते हैं कि x plus 1 upon x minus 3 का mod equal to p minus 3। तो अपन पहले लेफ्ट पार्ट के डायग्राम को ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। तो चलो इस लेफ्ट पार्ट को अपन y लेट कर देते हैं, तो y equal to आ गया mod of x plus 1 upon x minus 3 का mod। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, mod के लिए पहले इस अंदर वाले पार्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अंदर वाले पार्ट का मतलब x plus 1 upon x minus 3 का डायग्राम। तो चलो उसको लेट आप gx कंसीडर करो, तो लेट gx इक्वल टू बेटा ये आ गया x plus 1 upon x minus 3। अब आपको थोड़ा आईडिया होना चाहिए क्योंकि x और 1 upon x बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो देन इसमें अगर x पॉजिटिव है तो x plus 1 upon x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2। तो x plus 1 upon x क्या होगा, 2 और 2 से ग्रेटर, तो देन जो gx है इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम 2 पुट करोगे तो क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मतलब x पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से ग्रेटर। सिमिलरली अगर आप x नेगेटिव की बात करते हो तो x plus 1 upon x की वैल्यू क्या होगी, ये पता होना चाहिए, लेस देन -2। तो इसको -2 पुट करोगे तो क्या आ गया, -5। gx इज लेस देन इक्वल टू -5। उसके बाद एग्जैक्ट जीरो पे बात करोगे तो वो पहली बात को जीरो पे फंक्शन डज नॉट डिफाइन, बट अगर जीरो प्लस और जीरो माइनस की बात करोगे तो देखो जीरो प्लस पे जीरो प्लस और वन अपॉन जीरो प्लस प्लस इनफिनिटी की तरफ टेंड करने वाला है, और जीरो माइनस की बात करोगे आप तो जीरो माइनस पे बेटा ये माइनस इनफिनिटी की तरफ टेंड करने वाला है। तो देखो अपन इसका प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, तो चलो कर देते एक बार डायग्राम ड्रॉ। तो देखो डायग्राम ड्रॉ करने होगी तो क्या आने वाला है, एक्स पॉजिटिव है तो मिनिमम तो आएगा -1, जीरो प्लस में वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी, और एक्स को जब इन्फिनिटी लोगे तो जी एक्स आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने वाला है। इसका मतलब एक्स पॉजिटिव पे तो इसका रफली डायग्राम बनेगा इससे, ये आपका पॉइंट है बेटा -1 का, ठीक है। और एक्स जब नेगेटिव लोगे तो देखो जीरो माइनस पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू अगेन माइनस इन्फिनिटी होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या -5। इसका मतलब इसका जो रफली डायग्राम है वो आपका ऐसे होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये -5 की लाइन है आपकी और ये आपकी 1 की लाइन है, तो 1 आपका थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। ये आपका आ गया gx फंक्शन, और जब आप इसका मोड लोगे तो मोड का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव पार्ट आपका पॉजिटिव बन जाएगा। चलो तो ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी, तो ये तो एज इट इज आ गया, और इसका पार्ट का पॉजिटिव लोगे तो ऐसे आ गया, और ये वाला पार्ट एज इट इज, ठीक है। तो ये इसका मोड आ गया, और ये कंप्लीट पार्ट का नेगेटिव लोगे तो ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा ऊपर, और ये -5 है तो ऊपर क्या बन जाएगा, +5। इसका मीनिंग इसका रफली डायग्राम बेटा ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपकी 5 की लाइन है, ये x की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि ये -1 का मोड +1 आ गया। तो अब ये आपका आ गया इस लेफ्ट पार्ट का डायग्राम। अब आपको y इक्वल टू x सॉरी p माइनस 3 का डायग्राम ड्रॉ करना है, और क्वेश्चन में बोला गया कि दिस हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। तो देखो टू सॉल्यूशन के केस में क्या करना पड़ेगा अपन को, तो टू सॉल्यूशन के केस में अगर आप बात करोगे तो देखो ढंग से ये डायग्राम में दिख रहा अपन को, देखो इस वाले पोर्शन में तो टोटल 4 सॉल्यूशन होंगे, दिस 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 और दिस, अगर टच करोगे आप तो 1, 2 और 3 सॉल्यूशन, और जब आप इसको 1 से 5 के बिटवीन ड्रॉ करोगे तो देखो ओनली हैज टू सॉल्यूशन, मतलब पी माइनस 3 इज लाइज बिटवीन 1 to 5। तो देन इसके अकॉर्डिंग आ गया p belongs to 4 से 8। एक आंसर तो आ गया इस पार्ट। उसके बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं, अगर आप इस पार्ट में ड्रॉ करोगे तो अगेन 4 सॉल्यूशन, और जब आप p minus 3 को x एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो अगेन देखो 2 सॉल्यूशन होंगे इसके, 2 सॉल्यूशन होंगे। तो आप ये को लिख सकते हो अगेन p
पी माइनस थ्री अगर आपका एग्जिट जीरो है तो उस केस में भी दिस इक्वेशन इज ओनली सॉल्यूशन। एक तो आंसर होगा पी इक्वल टू थ्री और एक पी होगा फोर से एट के बिटवीन। तो चलो अपन देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। थ्री आंसर हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है और सेवन। तो देन इसके ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलो उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फंक्शन देना है अपने को और फंक्शन ही क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि अभी हमने पहले देखा था क्या कि x plus 1 upon x की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है। कब, जब x क्या हो, पॉजिटिव। जब x नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस 2। तो अभी क्या है, x ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो क्या हो गया, x plus 1 upon x greater than equal to 2। तो दूसरी बात अपने क्या किया, देखो इजी कर लेते हैं क्वेश्चन को है ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया, x plus 1 upon x को t let कर लिया। T-let कर लिया तो क्या हो गया, अब यहां से ना क्या होगा, आपने ऐसे क्वेश्चन मतलब काफी मतलब इंपॉर्टेंट है ये वाला जो फॉर्म फॉर्मेट है, तो इसमें क्या है ना, आपको ये पता होना चाहिए x plus 1 upon x equal to t है, तो इसके दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x square plus 1 upon x square, ये मिल जाएगा t square, ठीक है। एक बार और स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 equals to minus 2 और आएगा ना यहाँ पर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, t की पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, और देखो यहां से प्लस 2 आएगा और यहां से प्लस 4 आएगा, तो क्या बचेगा आफ्टर प्लस 2, ये आ गया x टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 4 की वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट कर दो उसमें, अब देखो जैसे सर ने लिखा है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 को क्या लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 1 है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब बना के a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और नीचे वाला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब उसको डायरेक्ट हो गया क्या, a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब इन वैल्यूज को उठा के आपको रखना है, बस कैसे रखना है, x plus 1 upon x को t रखना है, जहां जहां x plus 1 upon x आ रहा है, x square plus 1 upon x square को क्या लिखना है, t square minus 2, t की power 6 minus, इसको put करोगे बेटा t square minus 2, और अगले को put करना है जो सर ने लिखा हुआ है, t की power 4 minus 4t square minus 4t square plus 2 minus, sorry, plus 2 और 1 है plus 1 plus 1, और last में आ रहा है question में minus 2, और upon में आ गया बेटा t cube प्लस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू टी स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सर। तो अब आप क्या करना है, इसको टी स्क्वायर माइनस टू को जब इन तीन टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो टी स्क्वायर टी फोर टी सिक्स से टी सिक्स कैंसिल, प्लस टू से माइनस टू कैंसिल आउट होगा, और जब आप रिमेनिंग पार्ट को लिखोगे तो अपॉन में आ गया टी क्यूब प्लस टी क्यूब माइनस थ्री टी। तो इसमें से जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो न्यूमेटर में ओनली बेटा 3t कॉमन होगा, बाकी जो पार्ट है n upon d में वो सारा पार्ट क्या होगा, सेम टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शन fx आ गया 3 into x plus 1 by x, क्योंकि t की वैल्यू क्या मानी हमने, x plus 1 upon x, तो जो x plus 1 upon x है इसकी वैल्यू क्या थी, 2 और 2 से ग्रेटर, जो आपने लिखी हुई उधर। तो देन fx आ गया 6 और 6 से ग्रेटर, तो क्वेश्चन ने पूछा आपसे मिनिमम वैल्यू, तो उसका आंसर क्या जाएगा ब्रो, 6 6 आंसर होगा। चलो उसके बाद अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20 को अरेंज करना सर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, एक फंक्शन गिवन है fx इज डिस्पायर्ड इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इन द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ डिस्पायर्ड। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन में, फंक्शन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोला गया, तो सिंपल है, तो आप f(x) नेगेटिव, तो इसका f(x) क्या होगा, 3x² प्लस 8x प्लस लैम्डा, प्लस लैम्डा इज लेस देन 0। अब इधर सुनो ब्लैकबोर्ड पे, ये फंक्शन है अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला की वैल्यू x की कुछ रिमेनिंग इंटरवेल के लिए नेगेटिव कब हो सकती है, जब ये x एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजेंगे और लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवेल में, मतलब ये नेगेटिव आना चाहिए मैक्सिमम इंटरवेल में, तो ये मैक्सिमम इंटरवेल में नेगेटिव कब आ सकता है, जब ये पॉइंट तो आपका माइनस टू हो और दिस पॉइंट आपका क्या होगा, माइनस टू होगा। अगर बाय चांस आप डायग्राम को इस वे में लेते हो कि सर ऐसे बना दो डायग्राम, इधर ले लो माइनस टू और इधर ले लो माइनस की 2/3, तो इस केस में क्या होगा, ये माइनस 2/3 में नेगेटिव तो है बट ये इंटरवेल लार्जेस्ट नहीं है, ये इंटरवेल उससे कम होगा या फिर ज्यादा होगा। क्वेश्चन ने बोला गया इस इंटरवेल के अंदर बात करनी है अपन को, तो इसका मीनिंग ये जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या होंगे, माइनस टू और माइनस 2/3। इस केस में ये फंक्शन आपका मैक्सिमम नेगेटिव देगा, मतलब इस केस में ये मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा x के लार्जेस्ट इंटरवेल के लिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे लेट अगर आपने इसको gx लेट किया
क्योंकि डायग्राम किसका है, जी एक्स का है ना, तो सिंपल सी कंडीशन है कि जी ऑफ माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, कि जी माइनस टू भी जीरो होना चाहिए एंड जी माइनस टू बाई थ्री जीरो। तो बेटा जब आप इन दोनों में सॉरी जी एक्स में माइनस टू पुट करके सोल्व करोगे तो उससे भी लेमडा की वैल्यू फोर आने वाली है, और इसमें भी पुट करोगे आप जी एक्स के अंदर इससे भी लेमडा की वैल्यू फोर आने वाली है। मतलब जब लेमडा को फोर पुट करोगे तो जी ऑफ माइनस टू और जी ऑफ माइनस थ्री दोनों क्या होंगे, जीरो के इक्विवेलेंट। तो देन इसमें पूछा गया कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, आंसर फोर। बाय चांस अगर इन दोनों को जीरो करने पे लेमडा की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको दिस एंड दिस ट्रू साइमल्टेनियसली, तो इसका अभी तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लेमडा इक्वल टू फोर। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।